हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर के साथ। आज हम करने वाले हैं बी वर्ब का डिटेल। क्या करने वाले हैं? बी वर्ब का डिटेल। बी और क्या है ये वर्ब, बी वर्ब का डिटेल करने वाले हैं। अब देखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, फोर्थ फॉर्म क्या होता है और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है। तो बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है आर एम बी। क्या होता है? आर एम बी। सेकेंड फॉर्म होता है वाज वेयर, ठीक है। थर्ड फॉर्म होता है बीन। फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग और फिफ्थ फॉर्म होता है इज, ठीक है। हमेशा जब भी फोर्थ फॉर्म की बात की जाए पूरे इंग्लिश ग्रामर में, हमेशा जब भी फोर्थ फॉर्म की बात की जाए तो उसमें आई एन जी लगा होगा। जब भी वी टू की बात की जाए, किसकी बात की जाए? वी टू की बात की जाए तो वो किसका किसको रिप्रेजेंट करेगा? पास्ट को। और उसके बाद वी वन प्रेजेंट को, वी वन प्रेजेंट को और वी फाइव भी प्रेजेंट को। ये सिंगुलर होता है और ये प्लुरल होता है, ठीक है। बी वर्ब एक लिंकिंग वर्ब होता है। क्या होता है? लिंकिंग वर्ब, ठीक है। बी वर्ब कौन है? वर्ब। बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? आर एम बी। सेकेंड फॉर्म क्या है? वाज वेयर। थर्ड फॉर्म है बीइंग। फोर्थ फॉर्म है बीइंग और फिफ्थ फॉर्म है इज, ठीक है। बी वर्ब होता है क्या है? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बी वर्ब, बी वर्ब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन है? वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ठीक है। तो कह सकते हैं कि बी वर्ब के बाद भी, बी वर्ब के बाद नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव आएगा। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि बी वर्ब के बाद क्या आएगा? या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। तो बी वर्ब कौन कौन है? आर एम बी, वाज वेयर बीन बीइंग और इज। मतलब इन सबों के बाद क्या आएंगे? या तो नाउन आएंगे या प्रोनाउन आएंगे या एडजेक्टिव। बी वर्ब में कोई भी आप ले लीजिएगा, उसके बाद क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव। जब वर्ब की बात की जाएगी, जब वर्ब की बात की जाएगी कि बी वर्ब के बाद कौन सा वर्ब आएगा, तो या तो थर्ड फॉर्म आएगा या फोर्थ फॉर्म आएगा। फोर्थ फॉर्म बोले आई एन जी फॉर्म। अभी थ्री मतलब पैसिव वॉइस। क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस, ओके। अगर बी वर्ब के बाद अगर वर्ब आए तो क्या आएगा? या तो भी थ्री आएगा या भी फोर आएगा। अब टोटल कंक्लूजन क्या निकला? बी वर्ब के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा या भी फोर आएगा या भी थ्री आएगा, जिसको बोलेंगे पैसिव वॉइस, ठीक है। क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। ये हमेशा क्या कौन सा फॉर्म रहेगा? आई एन जी के फॉर्म में। अगर नाउन आया, अगर नाउन है तो उससे पहले आप क्या लगा सकते हैं? एडजेक्टिव। फिर एडजेक्टिव है तो उससे पहले क्या लगा सकते हैं? एड वर्ब, ठीक है। अगर प्रोनाउन आया तो कौन सा केस होगा? सब्जेक्टिव केस की ऑब्जेक्टिव केस? हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मतलब आई बी दे ही सी, कुछ इस तरह का। अगर एडजेक्टिव आया तो इसके बाद क्या हो सकता है?
नाउन, ये इतना बात क्या है, क्लियर है ना। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कहते हैं आई एम गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सही है कि गलत है। अगर हम देखें ये मेरा क्या है, बी वर्ब, इसके बाद क्या आएगा, या तो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आएगा, या भी थ्री आएगा, या भी फोर आएगा। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कौन, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। अगर यहाँ पे आया वर्ब तो वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा, या तो थर्ड फॉर्म में या फिर फोर्थ फॉर्म में। यहाँ क्या दिया हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, गलत। अगर कहते हैं आई वाज स्लोली, ये मेरा एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, क्या ये सही है, तो बोलेंगे गलत है। क्यों, क्योंकि बी वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, तो नहीं आता है। आई हैव बीन रिजेक्टेड, आई हैव बीन रिजेक्टेड, ये मेरा बी थ्री है। अब सही है कि गलत, तो यहाँ देखो ये बी वर्ब है, तो है, बी वर्ब के बाद बी थ्री आया है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। यू आर बीइंग सेलेक्टेड, यू आर बीइंग सेलेक्टेड, अब देखो यहाँ बी है, अब देखो यहाँ पे आर मेरा बी वर्ब है, तो बिल्कुल है, बी वर्ब के बाद बी फोर आता, तो बिल्कुल आता है, ये भी मेरा क्या बी वर्ब है, तो बिल्कुल है। इसके बाद भी पांच कंडीशन होंगे, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट भी थ्री या भी फोर, ये भी फोर भी थ्री है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए, दे आर गोइंग, अब ये सही है कि गलत, दे आर गोइंग, अब बी वर्ब है, यहाँ पे बी वर्ब है, उसके बाद क्या आया है, भी फोर आया है, तो क्या हो जाएगा मेरा, सही, ठीक है। और कर लो प्रैक्टिस, यू आर स्मार्ट, अब ये सही है कि गलत है, तो देखना ये मेरा एडजेक्टिव है, ठीक है, तो एडजेक्टिव है, यहाँ पे क्या है, बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, तो बिल्कुल आता है, तो क्या हो जाएगा, सही। दे वेयर फार्मर्स, दे वेयर फार्मर्स, अब ये सही है कि गलत, तो बिल्कुल सही है, बी वर्ब के बाद नाउन आता है, तो बिल्कुल आता है, तो नाउन आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, सही। अब क्या इट इज मी सही है, सॉरी इट इज मी सही है कि गलत, तो बोलेंगे प्रोनाउन तो आता है, लेकिन प्रोनाउन का कौन सा केस रहता है, सब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन तो आता है, लेकिन प्रोनाउन का कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, तो गलत हो जाएगा, क्या होगा, इट इज आई, बात समझ में आ गया, ठीक है, इट इज आई, इट इज देम होगा, तो बोलेंगे सर गलत है, क्यों, क्योंकि बी वर्ब के बाद क्या आ गया है, ऑब्जेक्टिव केस, आना क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस, तो क्या लिखेंगे, इट इज दे, क्या लिखेंगे, इट इज दे, ओके, बात समझ में आया, ठीक है, फिर से चलते हैं। बी वर्ब कौन कौन है, आर एम बी वाज वेयर बीइंग बीइंग और इज, अब ये बी वर्ब के बाद क्या है, कौन सा वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब, इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कौन होता है, नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव, इसका मतलब ये हुआ बी वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आ सकता है, तो सर बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आ जाए तो अगर बी वर्ब के बाद वर्ब आया, अगर बी वर्ब के बाद क्या आया, वर्ब आया, तो कौन से फॉर्म में हो गया, या तो थर्ड फॉर्म में जिसको बोलेंगे पैसिव वॉइस, या फोर्थ फॉर्म में जिसको बोलेंगे आईएनजी फॉर्म, ओके। अब है यहाँ बी वर्ब, अब बी वर्ब के बाद क्या आया, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन का कौन सा केस, तो सब्जेक्टिव केस, एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद है बी वर्ब का कौन सा केस, एडजेक्टिव, उसके बाद है वी फोर, उसके बाद है वी थ्री जिसको बोलेंगे पैसिव वॉइस, वी फोर जिसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस, ठीक है, ये बात क्लियर। चलिए कुछ एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से वीडियो को देखिएगा, पॉज करके अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा कि मेरा बी वर्ब के बाद ऐसा कुछ कंडीशन आया है कि नहीं आया है, अगर नहीं आया तो क्या हो जाएगा, गलत। जैसे कहते हैं आई वाज
बेंट, ये मेरा V2 है, सही कि गलत? तो बोलेंगे बिल्कुल गलत सर, क्योंकि ये आवाज मेरा क्या है, बी वर्ब, और बी वर्ब के बाद क्या है, V2 आता है, नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप इतना ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर प्रोनाउन आता है तो कौन से केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में कभी नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे इट इज मी नहीं होके इट इज आई। इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इट इज मी, जबकि इट इज मी नहीं होता, इट इज आई। इट इज देम होगा तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, बी वर्ब, और बी वर्ब के बाद क्या आता है, प्रोनाउन तो आता है लेकिन कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। ओके, ये मेरा सही। तो हम एक और थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। दे आर फार्मर्स, दे आर फार्मर्स। अब यहाँ पे कौन सा वर्ब है, बी वर्ब, बी वर्ब के बाद क्या आया, नाउन आया, तो नाउन से पहले हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं, तो सर बिल्कुल लगा सकते हैं, दे आर गुड फार्मर्स, गुड फार्मर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ तो क्या एडवर्ब यहाँ पे ला सकते हैं, तो आप बिल्कुल ला सकते हैं, दे आर वेरी गुड फार्मर्स, ठीक है, हो सकता है कि नहीं। अब एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव आ सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं, और एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे एडवर्ब भी आ सकते हैं, तो इसमें और एडजेक्टिव क्या करते हैं, दे आर वेरी गुड इंडियन फार्मर्स, ठीक है। ये मेरा हो गया नाउन, ये मेरा हो गया एडजेक्टिव, ये मेरा हो गया एडजेक्टिव एडजेक्टिव, ये मेरा हो गया एडवर्ब, एड वर्ब हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप भी लगा सकते हैं कोई और एड वर्ब, जैसे लिख सकते हैं दे आर रियली वेरी गुड इंडियन फार्मर्स। चलिए, आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे तरह से, ठीक है। अगर आवाज का कोई इशू आए तो आप हेडफोन लगा के देख लीजिएगा, ठीक है, हेडफोन लगा दीजिए, इतना से पूरा बी वर्ब क्लियर होगा। अब बी वर्ब के साथ ये नाउन का वाला कंसेप्ट, अगर नाउन आ जाए तो उससे पहले आप क्या डाल सकते हैं, तो मैंने आज क्या कर दिया, दो कंसेप्ट को क्लियर कर दिया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।